दोस्तों मोटरसाइकिल चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, चाहे कोई स्कूटी क्यों ना हो, जिस भी गाड़ी में जिस भी इंजन में ये क्रैंक होता है, अगर ये क्रैंक हज हो जाती है तो हमें बनवाना पड़ता है। पर ये कितना ज़्यादा हज होने पर हमें बनवाना ज़रूरी पड़ता है और कितना अगर हज है तो हमें बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से मोटरसाइकिल्स के से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका सिर्फ हेड सिलेंडर खोला है और हमें फुल इंजन नहीं खोलना है, और इसका फुल इंजन काम है फिर भी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि कस्टमर मना कर रहे हैं। और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़रूरी बनवाना है, मतलब इतने भी ज़्यादा इसका क्रैंक ख़राब नहीं है जो हमें बनवाने ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि क्रैंक को हमें किस तरीके से चेक करना है, सही है या ख़राब है, ये भी चीज़ें जानना है, और कितना पले रहने पर हमें बनवाना ज़रूरी है, कितना पले रहने पर बनवाना ज़रूरी नहीं है। तो हम जब भी क्रैंक को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग को हम इस तरीके से चेक करते हैं। ये देख रहे हैं कि मैं हाथ से जब इस कनेक्टिंग को हिलाता हूँ, ये पूरा क्रैंक है, ठीक है, ये पूरा क्रैंक है और साथ में इसका कनेक्टिंग है, इसे हम कनेक्टिंग बोलते हैं, और इसी के अंदर यहाँ पे पिस्टन लगता है। और इस कनेक्टिंग को चेक करने का तरीका सबसे पहले तो ये है कि हमें साइड प्ले देखना है, साइड प्ले ये देखना है, उसके बाद हमें क्रैंक अगर चेक करना है कि आवाज़ के विषय में, अगर साइड प्ले रहती है तो इससे आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, ये साइड प्ले रहने से क्रैंक का आवाज़ नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। चाहे किसी भी बड़े मैकेनिक से आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर ये साइड प्ले रहेगी तो इसके ज़रिए से क्रैंक आवाज़ नहीं करेगी हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो। और अगर ये वाला प्ले रहता है, अगर इस तरह का अगर चेक करें, क्रैंक चेक करने का असल तरीका जो है दोस्तों ये है, हमें इस कनेक्टिंग को इस तरीके से दो उंगली से हमें नीचे पकड़ना है और दो उंगली हमें इस तरीके से बनाना है, और हमें इस कनेक्टिंग को हमें बाहर की ओर हल्का खींच के रखना है, बाहर की ओर खींच के रखना है, और ये कनेक्टिंग बिल्कुल बाहर की ओर रहना चाहिए, ना कि अंदर की ओर, ये अंदर भी नहीं होना चाहिए, ये बाहर की ओर रहना चाहिए, और हम बाहर ही इसे खींच के रखेंगे, इसे खींच के रखना है। उसके बाद इस दो उंगली से हम इसके ऊपर चोट मारेंगे, इस तरीके से हमें चोट मारना है, चलो मैंने माइक लगा दिया, मैं अब इसे ठोकता हूँ, थोड़ी बहुत आपको ध्यान देना है, बिल्कुल गौर से देखना है, सुनना है, इसमें से थोड़ी बहुत आवाज़ आपको पता चलेगी, खट 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 खट, हल्का हल्का आवाज़ को आपको आवाज़ महसूस होगी, आपको बिल्कुल गौर से सुनना है। तो मैंने आपको आवाज़ सुना दिया, अगर इस तरीके से ये करने पर अगर आवाज़ आती है तो फिर क्रैंक आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजह से क्रैंक आवाज़ करेगी। हम पिस्टन या सिलेंडर जितना भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इंजन की साउंड जो है वो खट 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 वो आवाज़ करती रहेगी अगर हम इसे इस क्रैंक को नहीं बनवाते हैं। अब देखिए, अगर साइड प्ले ये अगर ऊपर नीचे है, प्ले है, तो उसे आपको बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं भी बनवाते हैं तो फिर आपको कल बनवाने की ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा चलते चलते इसके अंदर जो बुश होती है, गरारी होती है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, जल्दी बेयरिंग ख़राब हो जाती है, और उन्हीं की वजह से क्रैंक एक दिन जाम कर जाता है और गाड़ी हमें फिर से दोबारा इंजन खुलवाना पड़ता है। तो यही चीज़ है दोस्तों चेक करने का, क्रैंक असल में चेक करना, कनेक्टिंग इस तरीके से आपको चेक करना है, तो दो उंगली इस तरह रखना है और इस तरीके से चोट मारना है, अगर ये आवाज़ करती है तो फिर क्रैंक आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर ऊपर नीचे हल्का भी अगर प्ले है तो वो क्रैंक ख़राब है, अगर साइड प्ले थोड़ी बहुत एक बाल बराबर समझो कि एक कागज़ के जो पेपर होता है बस उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए, या फिर बाल बराबर आप समझिए कि इतना अगर प्ले है तो कोई हरज नहीं, कोई नुकसान नहीं, इससे कोई हरज नुकसान नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे अगर होता है तो उससे नुकसान है। अगर इसमें भी ऊपर नीचे अगर नुकसान ज़्यादा हज नहीं है और साइड प्ले ज़्यादा नज़र आता है आपको, बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है कि ज़्यादा है कुछ, एक जैसे कि ये गैस्केट है, ये जो पैकिंग है इसका, इसके मोटाई के बराबर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्ले है, तो ऐसे हालात में भी आपको बनवाना पड़ेगा।
और वैसे थोड़ी बहुत जो पले है ना, ये थोड़ी बहुत पले ऐसे भी हम करेंगे को बनवाते हैं ना, तो कुछ दिन बाद ही ये साइड पले हो जाती है, तो साइड पले से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप समझ चुके हैं कि कनेक्टिंग को किस तरीके से चेक किया जाता है और कितना पले रहने पर हमें बनवाना है, कितना पले रहने पर नहीं बनवाना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।